Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 3.2 class 7 Vowk Math. Vowk Math के हम chapter 1, chapter 2, class 7 के complete कर चुके हैं और chapter 3 3.1 complete हो चुकी है और 3.2 के 1 से लेके 6 तक के सभी question के सभी एक एक part हमने solve करे हैं. इससे पहले अगर आपको किसी भी question में कोई problem है तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग रेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. कुछ रेशन नंबर दे रखे हैं एक पार्ट में, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखाना है. इसमें क्वेश्चन 2 पार्ट्स हैं, ए और बी. फिर क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको यही दिखा देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग रेशन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. 7th में हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और 8th में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. चलिए करते हैं. तो ए पार्ट इज 7/11, 8/-6, -6/8, 2^1/4 एंड 27/25. यहां हमें ये 5 रेशन नंबर गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. देखिए एक बात तो क्लियर है, इसमें 2 नेगेटिव रेशन नंबर है तो इन तीनों से पहले तो ये दोनों ही आएंगे. ये तो आप जानते हैं ना, हमें असेंडिंग में डिसेंडिंग की बार देखें. असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, जो नंबर सबसे छोटा है उसको. तो नेगेटिव तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी गलत हो गया, नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होता है. तो ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों नंबर शुरू में आएंगे. अब इनमें से कौन सा पहले आएगा ये हम बाद में देखेंगे. फिलहाल ये तो क्लियर है, फर्स्ट दोनों नंबर ये आएंगे, उसके बाद जो भी बड़ा होगा वो, उससे बड़ा जो होगा वो, उससे बड़ा जो होगा वो. ओके, उससे भी पहले एक बात, अगर कोई हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो, मिक्स रेशन नंबर में है, तो उसको हम पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें. तो सबसे पहला काम तो हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, इसको 4 2 8 मिक्स को इम्प्रॉपर लिखा. 4 2 8 1 9/4. अब करने का तरीका क्या होता है ये समझ लीजिए. पहली बात, सभी रेशन नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. किसके साथ, किसके साथ बताइए, डिनोमिनेटर है यहां पर, तो नेगेटिव का साइन हमेशा क्या आता है, न्यूमिनेटर के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसमें तो ऑलरेडी है, तो 8/-6 का मतलब है -6/8. ओके, ये बात तो मैं ध्यान रखें, नेगेटिव हमेशा न्यूमिनेटर के साथ लेंगे. बाकी इन सबको हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे. अब लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये डिनोमिनेटर 11, 6, 8, 4, 25 दे रखे हैं, इन सबका एलसीएम लेंगे. यहाँ दो चीज है, आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि नेगेटिव पहले आते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके बताया था है ना, तो लेकिन मैं सबको ही एक साथ कर ले रहा हूँ. इन सबका एलसीएम लेंगे, कहने का मतलब हमको लाइक में कन्वर्ट करना, लाइक का मतलब ऐसे रेशन नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम हो. जब लाइक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बहुत ईजी होता है अरेंज करने में. जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो रेशन नंबर सबसे बड़ा, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो रेशन नंबर सबसे छोटा. तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. चलिए एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आप प्रॉपर निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, ऐसे कि एलसीएम ऑफ 11 -- नहीं लिखना है, 6, 8, 4 एंड 25. बड़ा लंबा चौड़ा आएगा वही, ये तो इसको आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं. ओके, मैं अलग पेज पर आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, या आपकी चॉइस है, आप फेयर पर ही सॉल्व करना चाहते हैं तो फेयर पर भी सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं फेयर पर सॉल्व करूंगा तो पेज स्पेस यहाँ नीचे कर देता हूँ, हाँ यहाँ कर देता हूँ. देखो 11, 6, 8, 4 एंड 25 टाइम लगेगा लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आप प्रॉपर सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है ना, 2 से डिवाइड करें, एलसीएम तो निकालने जानते हो, 2 4 जा 2 2 जा 25, फिर 2 से 11 3 2 2 जा 2 1 जा 25, अगेन 2 से 11 3 1 1 25, फिर 3 से 11 1 1 25, कुछ रह गया, एक वन लिखना रह गया इस 3 का. ठीक है ना, 3 1 जा 1 1 25. ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात. अब वो 5 से 11 1 1 1 5 5 जा, कितना लंबा छोड़ा आंसर आएगा इसका. तो फिर 5 से 11 1 1 1 1, अब रह गया लास्ट 11 1 1 1 1. तो एलसीएम ऑफ 6, 8, 4 एंड 25 क्या हो, इन सबका मल्टीपल 2 3 टाइम्स है, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स कितनी, फिर 3 है, फिर 5 है,
फिर 5 है, फिर 11। देखो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 2 5 2 4 मैंने लग लिए। अब इनका मल्टीपल कर दो, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, और 100 वो था तो 6600 इसका एलसीएम आया। ये आप रबर भी कर सकते हो, सो भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब हमें इन सभी रेशन नंबर के डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट करना है, प्लस 6600 में। तो क्या होगा, 7 अपॉन 11 इक्वल टू क्या होगा, 7 अपॉन 11, सेम नंबर से नोमिनेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। किससे करेंगे वो सीख लीजिए। यहां जो डिनोमिनेटर 11, इसका डिवाइड इसमें कर दो, 11 6 जा 66 2 0 यानी 600 बार गया, तो आप इसको 600 बार यहां लिख लीजिए, 600 टाइम्स। तो 600 का मल्टीपल करेंगे तो 4200 अपॉन में आ गया 6600। सेकंड रेशन नंबर है 8 अपॉन -6। अब 8 में किससे मल्टीपल करें और -6 में किससे मल्टीपल, क्या बताया था हमने, जो डिनोमिनेटर -6 है इसका डिवाइड इसमें कर दो, -6 का डिवाइड करोगे 6 में जा 6 में, तो -1100 बार गया, तो -1100 का मल्टीपल इसमें हो रहा है, -1100 का मल्टीपल इसमें, तो माइनस के 11 8 जा 8800 ये हो गया, और अपॉन में तो ये आना है 6600। क्लियर। थर्ड रेशन नंबर -6 अपॉन 8, जरा 8 का डिवाइड इसमें करो, 25 चौक 100, चलो करते हैं, 8 7 जा 56, 4 बचा, 4 8 5 जा 8 7 जा 750 टाइम्स गया, तो 750 इसमें और 750 का डिनोमिनेटर में, तो अपॉन में तुम्हें सोचना नहीं है, 6600 आना है। इसका मल्टीपल करें, 600 6 5 30 कैरी 3 6 7 42 और 3 45 माइनस की, तो देखो तीनों लाइक में कन्वर्ट हो गए, 6600 है ना। अब वो अभी दो और हैं, 9 अपॉन 4, तो 9 अपॉन 4 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसका मल्टीपल होगा, 4 का डिवाइड हम इसमें, ठीक है ना, तो कितने टाइम जाएगा, 4 1 जा 4 कैरी 2 मतलब 26, 4 6 जा 24 और 5 165 और 0 1650। क्लियर, इतने टाइम चला गया, ये तो समझ में आ गया ना, डिवाइड कर लेना, मैं ओरली कर दे रहा हूँ, है ना। अब इसमें भी मल्टीपल होगा 1650, तो अपॉन में तो हमारा इतना ही आना ही आना है, इसका मल्टीपल कर दो, 900 95 जब 45 कैरी कितना 4, 96 जब 54 और 458 कैरी 5, 9 बन जा 9 और 540, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा ये रहेगा। अब लास्ट आएगा 27 अपॉन 25, क्या होगा, 6600 में हम 25 से डिवाइड करेंगे जो भी आएगा, है ना, देखते हैं, 25 टू जा 50, 50 का 16, 160 और 25 6 जा 150 10 और 0 100, तो 4 बार 26 4 बार गया 264 अपॉन में, तो 6600 आने आना है, 27 ये मैं रफा कर ले रहा हूँ, 264 इंटू 27 करेंगे तो 47 जा 28 कैरी 2 और 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42 44 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 2 4 जा 2 6 12 कैरी 1, 2 4 5 जा 28 और 1 2 और 1 और 7 7 1 2 8, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्या हुआ, लाइक में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें हमें किस ऑर्डर में लगाना था, एक बार फिर देख लूँ, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा तो नेगेटिव ही होगा, और इन नेगेटिव में भी सबसे छोटा कौन सा है, -4500 छोटा है कि -8000 ये छोटा है, तो बस लिख दो कि -8800 अपॉन 6600 इज लेस देन किससे, -4500 अपॉन 6600 इज लेस देन, ये तो माइनस वाले हो गया, प्लस वाले देखें 4200 उससे बड़ा, 7000 उससे बड़ा, ये तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, देखते रहे, 4200 अपॉन 6600 इज लेस देन 7128 अपॉन 6600 इज लेस देन, सबसे बड़ा है 14850 अपॉन 6600। अब क्या करना है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो शुरू में थी बिल्कुल जैसी ये था, 8800 क्या है, 880 ये
माइनस का, ये किसके इक्वल है, 8 अपॉन माइनस सिक्स, तो सबसे छोटा हुआ इसमें 8 अपॉन माइनस, यहां माइनस सिक्स अपॉन में रह सकता है। फिर ये नेगेटिव वाला कौन सा था, ये माइनस सिक्स अपॉन 8, ये किसका था 4200 अपॉन सिक्स, ये 7 अपॉन 11 ना, इसकी ओरिजिन फ्रैक्शन डिजिटल नंबर में लिख दिए। ये किसके इक्वल है, 27 अपॉन 25, और लास्ट वन ये 9 अपॉन 4, सबसे बड़ा था 9 अपॉन 4। एक बार आंसर जरूर चेक कर ले रहे हैं इसके, क्योंकि लंबे कैलकुलेशन की कहीं मिस्टेक कर दिए तो चेक तो हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट एक्सरसाइज 3.2, ये रही 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 का, माइनस 8 अपॉन 6, माइनस 6 अपॉन 8, 7 अपॉन 11, ठीक है बिल्कुल, है ना, इन्होंने कॉमा करके लगा। ये आपकी चॉइस है, आप जरूरी नहीं कि सिंबल लगाना है, आप जैसे कि आपके आंसर शीट में देखा है कॉमा लगा के वो भी, और ये भी, ये आपकी चॉइस है ना, आप नहीं लगाते तब भी नंबर नहीं कटेंगे, और लगाते तो अच्छा है कि पता चलता है, आपको पता चलेगा ये नंबर, ये सिंबल होता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करने का। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है 2/3, 7/9, 11/12, 2/3, 5/6, 1/5, तो वही जो भी डिनोमिनेटर है उन सबका पहले एलसीएम निकाल देते हैं। चलिए निकाल देता हूं यहां पर, 3, 9, 12, 3, 6, 5, 18 और 9, 3, 6 से 12 से 18 कटेगा, 36 सबसे कट जाएगा, है ना, 36 180 करीब आ जाएगा। चलिए करते हैं, 2 से करेंगे पहला, 3 2 3 जा, चलो 2 का काम खत्म नहीं अभी है, फिर 2 से आएगा, 6 है ये तो आप जानते हैं ना, इसको तो मैं डायरेक्ट कर दूं भाई, ये 3, ये 3, तो 9545, हाँ 180 है इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 से जाएगा, 1 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, और ये 5, फिर 3 से 1 1 1 1 1, और ये लास्ट वन इज 5, फिर 5 से जाएगा 1 1 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम ऑफ 3, 9, 12, 3 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख लिया है, एक बार जब सेम संख्या तो लिखने की जरूरत नहीं होती ना, 6 एंड 5 कितना हुआ, 2 2 जा 4, क्या सोचो पड़ गया, 3 3 जा 9 2 जा 18 और 10 180, समझ में आया, मैंने 2 इंटू 5 कर लिया 10, 3 3 जा 9 2 जा 18 18 10 जा 180, तो हमें हाफ आपको समझ में आ गया क्या करना है, हर डिनोमिनेटर को 180 में कन्वर्ट करना है। तो 2/3 किसके होगा, पहले तो आप 2/3 लिख लो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसका मल्टीपल करेंगे, यहां क्या है डिनोमिनेटर में 3 का डिवाइड आप 180 में, 3 6 जा 18 0 60 आया, तो 60 से आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल कर दो, 62 जा और 63 जा, कन्वर्ट हो गया 180 में। सेकंड है 7/9, तो 7 और 9 दोनों में सेम नंबर का हो, किसका हो, 9 का डिवाइड करें इसमें, 9 2 जा 18 20 आ गया, 20 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। थर्ड है 11/12 का डिवाइड 12 1 जा 12, और 12 5 जा 60, 15 टाइम्स गया अपॉन में, तो 180 हो गया, 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 160, ओके। फोर्थ माइनस 2/3, थ्री का डिवाइड 180 में, 3 6 जा 18 और 0 60 टाइम्स गया, तो जितना क्वेश्चन आए उतना ही हमें न्यूमिनेटर में उसी का हमें डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना है, माइनस 120 अपॉन 180। सेकेंड लास्ट है 5/6, 6 का डिवाइड 180 में हम करेंगे तो 30 टाइम्स गया, 36 जा 180, 30 से मल्टीपल हम कर देते हैं दोनों में, 150 अपॉन 180, और लास्ट वन इज माइनस 1/5, 5 का करेंगे 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 36 टाइम्स गया, तो माइनस 1 × 36/5 × 36, माइनस के 36/5 6 जा 30, ये तो 180 आएगा, सोचना क्या। अब हमारे पास ये जितने भी रेशियो थे लाइक में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर सेम थे, सबसे छोटा नोमिनेटर किसका है, माइनस 120 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये सबसे पहला है क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो माइनस 120 अपॉन 180 इज लेस देन, फिर माइनस का 36,
अभी प्लस में वो देखें सबसे छोटा कौन सा है, 120, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो सबसे छोटा था वन, ये कितना था 150, सबसे छोटा 120, फिर आएगा 120/180, तो इस लेस देन 120/180, और 120 से बड़ा इसमें 140 है, 140/180 लेस देन उससे बड़ा 150, 150/180 और सबसे बड़ा रह गया 165। अब इनकी आप ओरिजिनल फॉर्म जो जिसके इक्वल था -120/180 दिखाई दे रहा आपको, ये रहा किसके इक्वल था -2/3, तो इन सभी रेशियो नंबर में सबसे छोटा था -2/3, इस लेस देन या कॉमा ये आपकी मर्जी है, -36/180 किसके इक्वल है -1/5, उससे बड़ा -1/5, उससे बड़ा ये 2/3, इसकी वैल्यू 2/3 है, ये 2/3, या आप यहीं भी कैंसिल कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट कैसे, 0 से 0 2/7 या 2/9 जा, तो इससे 7/9 ये आप देख लो वही होगा, 0 से 0 3/5 जा 3/6 जा, और ये किसके इक्वल था 165, ये रहा 11/12, तो ये इसका आंसर हुआ। इसका भी मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, इस वक्त मैं मोड़ ओवर का पेज, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कौन सा था ये, 7 का बी, 3.2 क्वेश्चन 7 का बी, -2/3, -1/5, 2/3, 7/9, 5/6 एंड 11/12, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन आपका 8 है, बस अंतर क्या है, यहां हमने लगाया था असेंडिंग ऑर्डर में, वहां पर हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए करते हैं उस क्वेश्चन को भी। अब वो ये है 24, 11, 12, अभी 24 दो बार मैंने वहां पर तो लिख लिया था, जरूरत नहीं है ना, तो इसका एलसीएम अब निकालें, तो एक तो 24 है, 11 है, 12 तो बहुत इजी हो गया, कैसे 2 से डिवाइड करना 12, तो 2 × 12 × 11 कर लो, ये एलसीएम है, चलिए मैं कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करा तो 12 × 11 6 times, फिर 2 से 6 times 11 3 times, अब हमें एलसीएम निकालना है तो आप डायरेक्ट 12 से कर सकते हो, अगर हम कहें प्राइम फैक्टराइज से तो हमें प्राइम नंबर जरूरत है, लेकिन हम तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बात समझ रही है, जैसे मैंने 2 से डिवाइड करा ये 12 हो गया और ये 6 हो गया है ना, तो चलो मैं कर ही देता हूँ, जब इतना करा उतना भी कर देंगे, फिर 2 से करा 2 × 3 = 11, 3 = फिर 3 से गया 1 × 11, 1 अब क्या आ जाएगा 11 से, ये जल्दी लिख दिया मैंने, इसको आप रफ्पा सो कर देना, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 24, 11 and 12, इतने नंबर है यहाँ पर, इन सबको मल्टीपल कर लो आप, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24, और 24 में 11 से मल्टीपल करेंगे तो 264 आ गया, हाँ 264, तो आपको समझ में आ गई, 264 में हमें कन्वर्ट करना है हर डिनोमिनेटर को, तो 24 का इसमें 11 टाइम्स जाएगा, तो 11 × 11/24 × 11, 11 × 11 = 121, और इसको मल्टीपल करोगे तो 264। सेकंड 24/11, 11 का डिवाइड करेंगे दो दूनी 24, 24 बार जाएगा, 24 × 24/11 × 24, डिनोमिनेटर तो 264 रहेगा। हमने देखो, हम जब कभी स्क्वायर का नंबर आता है तो हम हर बार हर वीडियो में बोल देते हैं कि स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक के, 24 × 24 का मतलब 24 का स्क्वायर वो होता है 576, आपको याद है तो तुरंत लिख दोगे, वरना आपको एक ही तरीका रहता है 24 × 24 करोगे। ओके, नाउ थर्ड क्या था, -24/11, -24/11 ये आएगा, बस माइनस के तो अंतर है तो ये माइनस लगा दो, अरे माइनस भूल जाते तो नंबर तो ही रहेगी, 24 × 24/11 × 24, तो यह जाएगा -576/264, नेक्स्ट है 11/-24, ये फर्स्ट के इक्वल आएगा, बस माइनस के तो अंतर है, तो 11/-24 -24, वैसे हम क्या करेंगे इसमें 11 × 11, अब यहाँ क्या करेंगे -11 का करना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है, -24 × -11, तो सेम नंबर आ जाएगा, बस माइनस का अंतर पड़ेगा, माइनस आ जाएगा 121/264, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, लास्ट आ गया 7/12, 12 का डिवाइड 2 × 4 × 8, 9 × 2 × 4 = 11, 22 टाइम्स गए, 22 times, तो 7 × 22, 12 × 22,
154 अपॉन ये तो 264 ही आएगा। हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 8 में रिवर्स है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते हुए क्रम बोलते हैं जिसे, यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा नंबर देखें, मुझे तो दिख गया 576 अपॉन में तो सेम है, तो जो नोमिनेटर सबसे बड़ा वही होगा, तो लिखोगे कि 576 अपॉन 264 यहां लगता है एलएसएम इज ग्रेटर। उसके बाद हमारे पास नंबर है 154 अपॉन 264 इज ग्रेटर, अब प्लस में बचा ये 121 और तो दोनों नेगेटिव है, तो इससे छोटा नंबर है 121 अपॉन 264 इज ग्रेटर, नेगेटिव भी दो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, माइनस में उल्टा चलता है, माइनस 121 क्या है ग्रेटर, तो लिखोगे माइनस 121 अपॉन 264 इज ग्रेटर माइनस 576 अपॉन 264। ओके, अब नीचे स्पेस नहीं, तो मैं इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, अब इसके ओरिजिनल फॉर्म लिख दो, 576 ये है तो सबसे बड़ा क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्म इसकी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां 24 अपॉन 11 है, तो इसकी जगह देखो दिखा है ना, तो ये चलो यहां छोटा छोटा लिख दूं, इसका मतलब 24 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन 154 ये रहा 7 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 121 ये रहा, ये किसके इक्वल है 11 अपॉन 24 इज ग्रेटर देन 11 अपॉन 24 इज माइनस 121 ये है क्या है 11 अपॉन माइनस 24 11 अपॉन माइनस 24 इज ग्रेटर देन ये है माइनस 24 अपॉन 11। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर मैं जरूर चेक करूंगा इसका भी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 का ए 24 अपॉन 11 ठीक है 7 अपॉन 12 ओके 11 अपॉन 24 11 अपॉन माइनस 11 अपॉन 24 और माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 11 माइनस 11 ऊपर था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया उन्होंने है ना, हमारे बुक में तो नहीं चाहिए, तो ठीक है ओके ये इसका आंसर हो गया किसका, ये था आपका 8 का वन पार्ट और इसको हमें लगाना था असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग का था सबसे बड़ा फिर छोटा। नाउ सेकंड पार्ट बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, नाउ बी पार्ट 9 अपॉन 11 माइनस 7 अपॉन 9 5 अपॉन 8 2 अपॉन 3 1 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 8 से क्या इन सब का एलसीएम ले लें, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो ये तो क्लियर है, ये माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 8 सबसे शुरू में आएंगे, इनमें से कौन सा पहले आएगा वो देख लेंगे। एक तरीका ये भी होता है कि आप पॉजिटिव वाले को अलग सॉल्व कर लो और उनका क्रॉस मल्टीपल करके देख लो कौन सा है ना, तो इतने दो दो तीन तीन मेथड क्या, मैं एक ही मेथड से करता चला सबको जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो। एक बार मैंने रजिस्टर नंबर कौन सी बुक की थी, शायद आरएस अग्रवाल या आईसीएससी बोर्ड की डाली थी, तीन चार मेथड बताए थे लेकिन फिर बच्चे कन्फ्यूज हो गए। और होता क्या है देखो, किसी भी सवाल को हम मैथ में दो से तीन तरीके से हो जाते हैं, खासतौर पर रजिस्टर नंबर में, अभी इंसर्ट वाला रजिस्टर नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वो कल होगा, आज की वीडियो में तो नहीं होगा, इंसर्ट 6 रजिस्टर नंबर, इस सवाल के आंसर नहीं मिलते, कई मेथड हैं, तो बच्चों ने जो मेथड पढ़ा होता है उसे वही लिखता है, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे लिखते हैं अरे सर आपने गलत बताया, गलत नहीं है बेटा, बहुत सारे तरीके होते हैं ना क्वेश्चन के, तो वो हमने अलग मेथड से बताया, आपके स्कूल में अलग मेथड से, आपके दोस्त ने अलग मेथड से कर रखा होगा, चलिए जब वो क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको करते हैं हम 9 अपॉन 11, तो हमें डिनोमिनेटर से मतलब है 11 9 8 3 बार बार 8 और दोनों बार 8 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम ले लो 3 8 9 11 2 से ठीक है ना, अगेन 2 से अगेन 2 से, हमें पता था 2 से कोई नहीं, हम डायरेक्ट 8 से भी दे सकते थे एलसीएम निकालने के लिए, 3 बन जा 3 3 जा 11 33 और आएगा 3 से, अब ये 11 ना नहीं बन समझ, 11 से दिया हमने 1 1 1 1 तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम डायरेक्ट एलसीएम हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार और 3 इंटू 3 और इंटू 11 2 2 जा 4 2 जा 8 8 से 24 24 से 72 और 72 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 792। अब हमें क्या करना है, सभी के डिनोमिनेटर को 792
92 में कन्वर्ट करना है। तो यहां क्या 11, 11 का डिवाइड करो 11 7 11 2 72 टाइम्स क्या डिनोमिनेटर तो ये आएगा, डिनोमिनेटर में तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कर लो 9 2 जा 18 कैरी 1 9 7 जा 63 और 164 क्लियर। सेकंड है माइनस 7 अपॉन 9 का डिवाइड करें इसमें 9 8 जा 72 9 88 टाइम्स माइनस नीचे तो ये रहना है 7 8 जा 56 कैरी 5 7 8 जा 56 और 561 माइनस के 616। थर्ड है 5 अपॉन 8 अब 8 का डिवाइड किसमें इसमें 8 9 जा 72 78 99 टाइम्स किया तो डिनोमिनेटर तो ये रहना है आपका, इसका मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 45 कैरी 5 9 5 जा 45 और 550 तो ये इक्वल हो गया इसके, ये इक्विवेलेंट रेशन नंबर है इसका है ना। अब है 2/3 तो 2 और 3 दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसका करेंगे 3 का डिवाइड यहां कर दो ओफो सोचना पड़ेगा 3 2 जा 6 कैरी 1 1 का तो 93 6 जा 18 और 3 264 टाइम्स गया अपॉन में तो सेम आना है 2 का मल्टीपल 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 2 जा 4 1 528 अभी और रह गया, अभी तो दो दो और रह गए 1/3 ओहो फिर वही आएगा 3 से है ना 264 गए अभी ऊपर आए 3 इंटू 264 तो ये हो गया 264 अपॉन क्या 792। लास्ट वन इज माइनस 5 अपॉन 8 ये तो दे रहा 5 अपॉन 8 है ना 99 टाइम्स क्या बस माइनस का अंतर है माइनस कितना है था 505 क्लियर। अब हमें सबके लाइक नंबर मालूम पड़ गए हैं, इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देख लो, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा 648 से बड़ा मेरे को अभी तक प्लस में कोई नजर आया नहीं तो वही सबसे बड़ा है 648 अपॉन तो लिख दो 648 अपॉन 792 इज ग्रेटर देन उससे छोटा मुझे मिला 528 उससे छोटा कोई है नहीं देखो है ना उससे छोटा ही होगा 528 अपॉन 792 इज ग्रेटर देन उससे छोटा है फिर 505 अपॉन 792 इज ग्रेटर देन अफ ये तो हो गया सर टिक कर दे रहा हूँ 505 ये भी हो गया और 528 भी अब पॉजिटिव में तो एक ही बचा 264 तो ये आएगा 264 अपॉन 792 इज ग्रेटर देन नेगेटिव में माइनस के 616 बड़ा है कि माइनस 505 ये बड़ा है माइनस में उल्टा चलता है तो माइनस 505 अपॉन 792 एंड द लास्ट वन इज माइनस के 616 अपॉन 792 ये ऑर्डर आ गया। अब क्या करें इनकी हम ओरिजिनल फॉर्म लिखते हैं 648 अपॉन 792 किसके इक्वल था 9 अपॉन 11 दिखा देता हूं मैं आपको 9 अपॉन 11 यानी कि सबसे बड़ा रेशन नंबर है 9 अपॉन 11 ठीक है तो लिख दिया 528 अपॉन 792 ये आ गया 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 3 505 वो है 5 अपॉन 8 के 5.8 264 ये रहा 1/3 है ना 264 इज ग्रेटर देन 1/3 माइनस 505 है माइनस के 5 अपॉन 8 एंड लास्ट वन माइनस 616 है माइनस 7 अपॉन 9 तो ये आपका ऑर्डर हो गया कौन सा ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे क्रम में हमने लगा दिया। इसका भी मैं आंसर चेक कर लूं पहले क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट 9 अपॉन 11 2/3 5 अपॉन 8 1 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 8 एंड बिल्कुल ठीक है माइनस 7 अपॉन 9। तो आज के वीडियो में ये दो ही क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको अब रेशन नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमेशा की तरह मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।